यह है सापुतारा जो कि गुजरात में बसा है, गुजरात और महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर में है और गुजरात के डांग डिस्ट्रिक्ट में ये बसा है। और यह एक हिल स्टेशन जैसा है और एक छोटे से जगह को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप किया गया है और मस्ती करने को यहाँ पे फुल ऑन मस्ती आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है, छोटी सी जगह है, बहुत ही अनहर्ड ऑफ अ प्लेस है। यहाँ पे डबल साइकिल राइड्स, रोप वे, नीचे में बोटिंग था जो कि हमने किया नहीं, और स्मॉल बाइक्स। अच्छा, एक छोटी सी हिल स्टेशन पे अच्छा यहाँ पे टूरिज्म के लिए डेवलप कर रखा है। इधर शूटिंग वगैरह, रिंग फेंको और लूट लो। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, देखिए हम अभी साइकिल भी चलाएंगे आज एनिवर्सरी पे। वाइफ, मेरी वाइफ अभी ऑलरेडी ट्राई कर रही हैं, मैं आ गया, अभी हम लोग साइकिल चलाएंगे और अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे। ये देखिए मेरा बेटू मानवेक, वो बाइक चला रहा है एंड इज एंजॉइंग। मानविक देख के गिरना मत। बचाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, बचाओ। और यहाँ पे ये रेस रेस लगेगा, रेस। एक्सलेटर एक्सलेटर दीजिए, एक्सलेटर। अरे ऐसा लग रहा है धक्का मार दोगे। अरे अरे अरे, रेस रेस लगाइए, रेस। अरे चले चले, बड़ा 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 बड़ा। अरे सब बाइक लेकर भाग जाएगा। ये संस्कृति राज्य। ओके, बाइक से निकल जाएगा ना, मेरा लंबा बना So, here we go, a married couple for 7 years. Ebe Puri! They are literally enjoying this. It's been 7 years of togetherness. And see their kids, even they are enjoying. See, hello! भीड़ से दूर बहुत ही मजा आया और खूब मस्ती की थी। भैया शादी का प्लान भी। ये तो पूरा फॉग फॉग हो रखा है। ये उसका दूसरा छोर आप देखिए। यहां से हम लोग अभी कहीं उस छोर पे खड़े थे और वहां से हम लोग बाइक चला के, मैं और ते हम लोग आए हैं और अब वी आर ऑलमोस्ट वहाँ से 10 किलोमीटर इस साइड, वी आर इन दिस कॉर्नर। और यहाँ से देखिएगा दूर से मैं जूम करके वो दिखा पाऊँ, ट्रैकिंग भी होती है बट साथ में बहुत सारे लोग हैं, सीनियर स्टेन से बच्चे हैं जो तो ट्रैकिंग नहीं ऑप्ट किया है, अब देख पाएंगे। देखिए यहाँ से ट्रैकिंग भी होती है, ऊपर में सब जगह रेलिंग लगा है, उसके आजू बाजू भी लोग जा सकते हैं। इट्स अ नाइस प्लेस। भीड़ कम है और इन्जॉयमेंट के लिए इतने सालों बाद अब बाइक पे बैठ के साइकिल चलाना, हॉर्स राइडिंग है, सब चीज़ों का आनंद लिया जा सकता है और वो बचपन के दिन याद आ रहे हैं। इधर से वैसे, इधर से कुछ घुमाओ, इधर से, इधर से, ओए इधर 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 आओ, वापस इधर आओ। वेरी गुड। और ये हम लोग रोप वे पे बैठ चुके हैं, वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था। से व्यू, ये एक हिल से दूसरे हिल पे हम जा रहे हैं।
ये हम लोग पहले बचपन में मेला में जो करते थे, आज मानविक भी कर रहा है, रिंग फेंको और सामान लूटो। हाँ बेटा, इतना नजदीक हो जाओ तब करोगे क्या? ये रोपवे से आकर वहीं पे भी मानविक जहाँ पे वो खेल रहा था वहाँ पे उसने 4 चॉकलेट जीते। यहाँ पर सारे कैमल राइड्स, हॉर्स राइड्स सब चीज़ें हैं सारे पॉइंट से, और यहाँ से इस हिल का इधर का व्यू पॉइंट जिसके आप तरफ साइकिल भी चला सकते हैं। देखते हैं, यहाँ से ही सनसेट पॉइंट है। सनसेट बहुत सुंदर होता है, लेकिन सनसेट ऑलमोस्ट 7 बजे तक होगा, 6:30-7 बजे। मानविक अब अच्छी बाइक चलाने लगी है, खुद से कर। छोड़ दे बाबू, छोड़ दे, छोड़ दे मानविक, एक्सीडेंट मत करना बच्चों। एक्सीलेटर एक्सीलेटर, ये देखिए हॉर्स राइड्स भी है। कैमल राइड्स भी हैं, गिटारिस्ट भी हैं, लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखिए साइकिल, कमल मानविक सामने रोड को देखो, स्पीड। यहाँ पे उबला हुआ कौन होता है, रितेश कौन दिखाइए। अभी हमने वो मैगी पाइन एप्पल, बहुत ही मीठा पाइन एप्पल था। चाय और कच्चा आम लिया। ये जो यहाँ पे सनसेट हो रहा है और इस पे ट्रॉली से आने के लिए 77 रुपीज़ अप एंड डाउन लगता है, कार्ड से भी पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं ये लोग। Look at the sun crossing its horizon. और ये हम लोग वापस यहाँ सनसेट से, देखिए यहाँ से रोपवे पे रिटर्न हो रहे हैं। यहाँ पर जिप लाइन, बंजी जंपिंग और पैराग्लाइडिंग और बाकी तो जो बाइक राइड्स और आपने जो बाकी सभी चीज़ें देखा वो है ही है। छोटी सी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। जस्ट यहाँ से कुछ दूर पर ही सुला वाइन का बॉटलिंग प्लांट है, विच इज़ अ वेरी गुड टूरिस्ट स्पॉट, जहाँ पे कि शादी और बाकी फंक्शंस भी होते हैं। समय की कमी की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए हैं,
पर आप एक बार ज़रूर जाएं, और बहुत ही सुंदर जगह है।